क्या आप एक ऐसे पाकिस्तानी को जानते हैं जो कि पैदा तो पाकिस्तान के गरीब घराने में हुए थे, लेकिन आज उस इंसान का शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि अमेरिका के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में किया जाता है। अगर नहीं जानते तो मिलिए शाहिद खान से, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है। आज की जबरदस्त वीडियो में हम शाहिद खान की मुकम्मल लाइफ स्टोरी के साथ साथ उनके बारे में चंद ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शाहिद खान का शुमार पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान में किया जाता है। शाहिद खान 18 जुलाई 1950 को लाहौर में पैदा हुए और 2023 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 73 साल। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस वक्त शाहिद खान अमेरिका के 60वें, पाकिस्तान के पहले और पूरी दुनिया के 325वें अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं और उनकी दौलत में हर दिन करोड़ों रुपए का इजाफा हो रहा है। शाहिद खान का ताल्लुक लाहौर के गरीब घराने से था। शाहिद खान ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की और अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए स्टडी वीजा पर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद शाहिद खान को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा क्योंकि शाहिद खान के पास इतने ज्यादा पैसे मौजूद ना थे कि वो अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में जिंदगी गुजार सके। पढ़ाई करने के साथ साथ शाहिद खान ने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी ताकि वो अपनी पढ़ाई के खर्चे बर्दाश्त कर सके। उसके बाद शाहिद खान ने अपने करीबी होटल पर काम करना शुरू कर दिया जहाँ पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ $30 महाना तनख्वाह दी जाती थी। अमेरिका आने के बाद शाहिद खान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी तालीम छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते या तो अपनी पढ़ाई को जारी रखते। लेकिन अमेरिका में रहते हुए तालीम हासिल ना करने की मिसाल ऐसे दी जाती थी जैसे कोई इंसान मक्का मुकरमा में रहे और हज या उमरा अदा ना करे। चूंकि शाहिद खान का अमेरिका में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टडी हासिल करना थी तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया और अपने खर्चे बर्दाश्त करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां भी करते रहे। उसी दौरान शाहिद खान को इस बात का एहसास हुआ कि पूरे अमेरिका में कोई भी ऐसी कंपनी मौजूद नहीं जो कि पिकअप गाड़ियों के लिए बम्पर बनाए। शाहिद खान को अपनी किस्मत बदलने का ये वाहिद मौका नजर आया। शाहिद खान ने उसी वक्त अपनी नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया और अमेरिकन बैंक से $50,000 का कर्जा ले लिया ताकि वो बम्पर बनाने वाला कारोबार शुरू कर सके और जल्दी बम्पर बनाने वाली कंपनी का आगाज कर दिया और 3 बड़ी ऑटो कंपनीज को अपने बनाए हुए बम्पर सप्लाई करने शुरू कर दिए। शाहिद खान की किस्मत तब जागी जब उसे टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी से बम्पर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना शाहिद खान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी और जल्दी उनकी ये कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी बम्पर बनाने वाली कंपनी बनकर सामने आई और उनकी दौलत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। और इस वक्त उनकी कंपनी की शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस वक्त पूरे अमेरिका में उनके 40 से भी ज्यादा प्लांट्स मौजूद हैं जो कि गाड़ियों के बम्पर बनाने में सबसे आगे हैं। शाहिद खान की शोहरत में इजाफा तब हुआ जब उन्होंने 2011 में जैक्सन विला नामी फुटबॉल टीम को खरीद लिया और ये टीम उन्होंने $760 मिलियन यानी कि तकरीबन 10,000 अरब रुपए अदा करके खरीदी थी। और इसके अलावा शाहिद खान मशहूर अमेरिकन कंपनी AEW यानी ऑल इलीट रेसलिंग के भी मालिक हैं जहां से शाहिद खान हर साल अरबों रुपए कमा लेते हैं। और इस वक्त शाहिद खान की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि शाहिद खान मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद एशिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। अब आपको मिलवाते हैं शाहिद खान की फैमिली से। तो शाहिद खान की वाइफ का नाम है एना कैरलसन जिससे उन्होंने 1978 में शादी की थी। शाहिद खान के बेटे का नाम है टोनी खान। इसके अलावा शाहिद खान की एक बेटी भी है जिसका नाम है शाना खान। अब बात कर लेते हैं शाहिद खान की कार कलेक्शन के बारे में। एक इंसान का शुमार एशिया के सबसे अमीर इंसान में किया जाए और उसे कारों का शौक ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे तो शाहिद खान के पास बहुत सी कारें मौजूद हैं लेकिन अगर उनकी चंद महंगी गाड़ियों की बात की जाए तो नंबर 1 पर उनके पास मौजूदा पगानी होयरा और इस कार की कीमत है $1.5 मिलियन जो कि रुपीज में बनते हैं तकरीबन 2,70,00,000 रुपए। नंबर 2 पर उनके पास मौजूद है ऑस्टिन मार्टिन और इस कार की कीमत है $2,00,000 जो कि रुपीज में बनते हैं तकरीबन 1,50,00,000 रुपए। नंबर 3 पर उनके पास मौजूद है लंबरगिनी वेनेनो और इस कार की कीमत है $25,00,000 रुपए जो कि उनकी खरीदी गई सबसे महंगी कार है। और नंबर 4 पर उनके पास मौजूद है रोल्स रॉयस फैंटम और इस कार की कीमत है $7,00,000 रुपए। इसके अलावा शाहिद खान के पास अपना एक प्राइवेट यार्ड भी मौजूद है और इस यार्ड की कीमत है $200 मिलियन जो कि रुपीज में बनते हैं तकरीबन $40,00,000 रुपए। शाहिद खान अपना ज्यादातर सफर इसी यार्ड में करना पसंद करते हैं। इस यार्ड में बेडरूम, वॉशरूम, स्विमिंग पूल, सिनेमा
और किचन जैसी तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं शाहिद खान के हाउस के बारे में कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। तो शाहिद खान अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा में एक शानदार घर में रहते हैं और उनके घर की चंद तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शाहिद खान की टोटल नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के हिसाब से शाहिद खान की टोटल नेटवर्थ है 12 बिलियन डॉलर्स, जो कि रुपीज में बनते हैं तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए, और उनकी इस दौलत में हर दिन करोड़ों रुपए का इजाफा हो रहा है।